साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो उसके उसमें से एनर्जी को बाहर निकालते हैं और उसको बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे एटीपी बनाते हैं, एनएडीपीएच बनाते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो फोटो मतलब लाइट की वजह से जो फॉस्फोरिलेशन मतलब जो फॉस्फोरस का एडिशन होता है और एटीपी बनता है या एनएडीपी बनता है, तो वो दो प्रोसेस में दो टाइप से हो सकता है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। तो वही हम देखेंगे इसमें। स्पेशल सब्सटेंस जैसे एटीपी है कैरी दिस एनर्जी इन दियर केमिकल बॉन्ड। जो एटीपी बनता है वो इस एनर्जी को अपने बॉन्ड के रूप में संरक्षित कर लेता है और जब यहाँ से एनर्जी को निकालना होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। सेल जिस प्रोसेस के द्वारा एटीपी को बनाती है उसी को फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलती है जो रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट है वो एटीपी सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, इसके अंदर क्या होता है, फोटो फॉस्फोरिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यू टू वर्किंग ऑफ टू फोटो सिस्टम इन ए सीरीज। जो हमने वो डायग्राम देखा है उसके अंदर जो जेड स्कीम बनती है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक आगे ट्रांसफर होते हैं, तो वो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन का टाइप, वो मतलब नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन ही है वो। टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दोनों जो PS2 और PS1 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जो जेड स्कीम बनाते हैं। बोथ ATP एंड NADPH प्लस में H पॉजिटिव सिंथेसाइज्ड बाय PS1 ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं में एक जगह पे ATP बनते हैं और एक जगह पे NADPH है वो बनते रहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली जो कि जो कनेक्ट करता है एक जो स्टैक को, स्टैक ऑफ जो थैलेकोइड है ग्रैना है, ग्रैना की एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ जोड़ता है। लैक्स PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो जो स्ट्रोमा लैमेली है उनके अंदर जो PS2 है और NADP है वो रिडक्टेज जो एंजाइम होता है मतलब जो NADPH बनाता है वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते, जबकि जो मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन और लैमिला ऑफ ग्रैना, जबकि ग्रैना की जो लैमिला है उनके अंदर और जो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की उसके पास दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं PS1 एंड PS2। तो इनके भी यूज देखेंगे कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस क्या शो करेंगे आगे। साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू द NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है जैसे हमने वहाँ पे देखा था इलेक्ट्रॉन लास्ट में NADP पॉजिटिव के पास जा रहा था, लेकिन यहाँ पे NADP पॉजिटिव एक लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम नहीं करता है, बट इट इज साइकिल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स। तो इसके अंदर क्या है, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा तो वो वापस PS1 के जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास ही आ जाता है, वो आगे नहीं पहुंचता है NAD पॉजिटिव के पास। तो इन लाइट ऑफ बियॉन्ड 600 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। तो जो PS1 है हमको पता है कि ये 680 नैनोमीटर के ऊपर वर्कआउट करता है, और रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, और यहाँ से क्या होता है केवल ATP की ही सिंथेसिस होती है जबकि NADPH वो नहीं बनता है। तो जैसे हम जो एक 31 के अंदर हम ATP सिंथेसिस है वो इस पीक के अंदर वैसे दिखाया नहीं गया, वैसे PS1 है वो ATP सिंथेसिस करता है और वो हम इस पीक से थोड़ा डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो इसके अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं जिसमें क्लोरोफिल एक्साइट होता है लाइट को लेके और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है आगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है, उसके बाद PQ साइटोक्रोम PC अलग अलग के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करते हैं रिडोक्स चेन, और ये किसके पास भेज देते हैं PS1 के पास, ये PS2 है और ये PS1 के पास जैसे ही जाएगा उसके बाद इसको फिर क्लोरोफिल के हाइयर मतलब लेवल के पास भेजा जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को आगे जो लास्ट में भेजा जाता है वो NAD पॉजिटिव और NADPH एच पॉजिटिव के पास भेज दिया जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बनते रहते हैं वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस का मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर टूटता है, ये प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो ये प्रोसेस, ये एक जेड स्कीम है
और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से जा रहे हैं और एक जगह पे जाके खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है। लेकिन जो PS1 होता है, इसके अंदर जब लाइट केवल एक ही वेवलेंथ की गिर रही है यहाँ पे, तो दोनों वेवलेंथ की लाइट की जरूरत थी यहाँ पे। जब PS1 को एक्साइटेड करने वाली वेवलेंथ ही प्रेजेंट है, उस केस में क्या रहेगा, क्लोरोफिल है, वहां से इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता रहेगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, NADP रिडक्टेज, जो कि NADP को क्या कर सके, NADPH में चेंज कर सके, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वापस किसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हमारा PS1 सिस्टम है इसके रिएक्शन सेंटर के पास। और इससे फिर क्या होगा, दोबारा फिर लाइट गिरेगी, तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन का जब ये डाउनहिल मोमेंट होती है, जब नीचे की तरफ आता है जो इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी देख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है तो वहीं पे ATP सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे केवल ATP सिंथेसिस होती है, जबकि यहाँ पे ATP की भी सिंथेसिस होगी, वो पिछले पिक में ये ATP नहीं दिखा रखा था कैसे सिंथेसिस होता है। जब ये रिएक्शन सेंटर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन डाउन ही लाते हैं, तो उसी एनर्जी का यूज कर लिया जाता है ATP को बनाने के लिए। तो नीचे सिंबल दे रखे हैं, FD का मतलब है फेरोडोक्सिन, PQ का मतलब है प्लास्टोक्यूनिन, अलग अलग प्रोटोन रिसेप्टर होते हैं ये, CHL का मतलब क्लोरोफिल है जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग, और CYT साइटोक्रोम B6F है, और PC का मतलब है प्लास्टो साइनिन। तो ये अलग अलग जो हम जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ भेजते रहते हैं।